बहुत कुछ मैंने अचीव नहीं कर लिया लाइफ में अभी। नीतू हेल्प कर रही है उस कुत्ते को। ओके नीतू तू टेढ़ी लेटी यार, तू गिर जाएगी। ओके अभी हम लोग आ चुके हैं कला अकेडमी गोवा। ओके बहुत गर्मी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीर ब्लॉग। जल्दी से सब लोग अटेंडेंस लगा दो, यहाँ पे प्रेजेंट कर दो, जो जो आ चुके हैं प्रेजेंट सर, और जो कल नहीं थे वो एब्सेंट भी लगा दो। एब्सेंट सर। गलत बात है यार, मुझे पता है कल गलती से दो दो ब्लॉग डल गए थे, बट ठीक है यार, मैंने एक हटा दिया, उसको मैं दोबारा जल्दी से डालूंगा। अभी देखो अभी अपना क्या प्लान है, यहाँ से सीधा तैयार होकर अपने को जाना। दिस इज अवर मेसी रूम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे लगेंगे बस 5 मिनट। ठीक है। जस्ट अभी मैंने रियलाइज करा कि मैं सारे ब्लैक कपड़े लेकर आया हूँ ट्रिप पर। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, बस जो जो दिखता रहा मैं रखता रहा, और यहाँ आके मैं देख रहा हूँ एक भी अलग कलर का कपड़ा नहीं मेरे पर, ऑल ब्लैक। पर ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा कि मैं जानबूझ के ब्लैक लाया हूँ। नीतू को भी थोड़ा और टाइम लगता है तैयार होने में, मैं अकेला गया ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मैं बहुत धीरे खाता हूँ, तो मैं देर तक खाता हूँ, हम दोनों का साथ ही फिनिश होगा। इतना बड़ा होटल है, यही नहीं पता चल रहा ब्रेकफास्ट करना कहाँ पे है, और कोई है भी नहीं यहाँ पे, किससे पूछूं मैं, दीवारों से। फाइनली अपने को कोई मिला जिन्होंने, ओह मिल गए, गायब हो गए, इधर है डाइनिंग रूम में। तो यहाँ पर ये फुल हो चुका है, इसलिए अब अपने को ऊपर जाना है, दो दो इनके रेस्टोरेंट हैं। चलो भाई, गोवा में कितने लोग आते हैं मैं कल से देख रहा हूँ, हर जगह बहुत पब्लिक है, और इस रेस्टोरेंट का नाम देखिए चूल्हा। यहाँ ब्रेकफास्ट दूर दूर तक फैला हुआ है, आप देखो उधर से बैठ के मैं आया हूँ, पूरा राउंड लगाता हुआ, बहुत सारे आइटम्स है। हेलो, जब तक तू आई है देख, मैंने तो अपना लगवा भी लिया सर, काफी सारा है यहाँ पे ऑप्शन। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अब अपने इवेंट में। हम लोग पहुंच गए हैं होटल में, फिल्म बाजार लगा हुआ है हर जगह पर, ऐसा ही देख रहा हूं तो उधर ये देखिए गाइस, फिल्म बाजार क्यों लगा है। नीतू अलग ही माहौल है यहाँ, कितनी सारी यहाँ मूवीज के पोस्टर लगे हुए हैं। नीतू ऑलरेडी आगे चली गई है, तो हर तरीके की रीजनल फिल्म्स यहाँ पर आई हुई है, आप देख सकते हो सब रीजनल मूवीज आई हुई है ना यहाँ पर, फीचर उत्तराखंड से भी है। यस 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 भाई, इधर बहुत गर्मी है। अच्छा वो मैंने आज जैकेट नहीं डाली, मैं एक जैकेट भी लाया था इस इवेंट के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सर्दी थी, बट यार लिटरली मेरे को भी इस टाइम एसी की नीड है, इतनी गर्मी है यहाँ पर। सी दिस गाइस, ये बिल्कुल समंदर किनारे है, बहुत अच्छा है यहाँ का एम्बियंस। वाह यार कितना बड़ा ये इवेंट है। ये क्या नेटफ्लिक्स की साइकिल, आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं गूगल का बूथ है यहाँ पर, आर्ट्स एंड कल्चर है नाम इसका बूथ का। यहाँ पर अमेजोन मिनी टीवी का है, और इधर नेटफ्लिक्स का पूरा एक बूथ लगा हुआ है, जहाँ पर ये लोग शोकेस कर रहे हैं इनके पास क्या क्या कलेक्शन है। यहाँ भी काफी भीड़ है, इधर भी काफी भीड़ है, और इधर है सोनी का बूथ, सिनेमा लाइन कैमराज यहाँ पर है बहुत सारे। हमारा इवेंट हो गया है, बहुत अच्छा हमारा इंटरव्यू था अभी अनुराग सर के साथ, और हम बहुत थैंकफुल हैं उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया, और साथ में हम यहाँ और भी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं अलग अलग, तुम्हें कुछ खाना तो नहीं है? नहीं अभी तो भूख नहीं है। हमारा होटल ज्यादा अच्छा है नहीं? सबसे पहले हम जा रहे हैं इधर उत्तराखंड शासन की तरफ से जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये उत्तराखंड वाला रूम है जहाँ पे हम आ चुके हैं अभी। तो यहाँ से हमें पैम्फलेट मिला है, इसमें सारी मूवीज की डिटेल है जो जो उत्तराखंड में शूट हुई है, आप देख सकते हो कितनी सारी मूवीज शूट हुई है उत्तराखंड में, हमारा उत्तराखंड है इतना सुंदर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कला अकेडमी गोवा, और यहाँ पर मास्टर क्लासेस हो रही है, जो कि करण जौहर, सर अली खान, वो सब लोग इधर है। गाइज मैं आ गई हूँ रूम में, एंड मैंने चेंज कर लिया, इतने कंफर्टेबल मैंने कपड़े पहने हैं ना, मतलब ये स्कर्ट है एंड ये गोवा टाइप कपड़े हैं पूरे। अभी जो मैंने कपड़े पहने थे सोनी दीदी के कॉस्ट्यूम काउंटी के कपड़े थे, बहुत अच्छे थे। अब मैं चली लखन के पास क्योंकि हमें करना है लंच, बहुत तेज भूख लग रही है सच में। मैं आई थी रूम में चेंज करने के लिए, एंड मैंने चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मैंने कपड़े पहने, ऐसा लग रहा है कि मैं गोवा की बिल्कुल बन चुकी हूँ, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे कपड़े। अब मैं चली लखन के पास क्योंकि हमारा लंच बिल्कुल रेडी हो गया है, बुफे हम लोग करेंगे, अब मेरे पास टाइम है तो। बट यार इवेंट बहुत अच्छा है, मतलब आई थिंक सबसे अच्छा इवेंट अब तक का ये है। हम लोग सोच रहे हैं दुबई वाला सबसे बेस्ट था जिसमें हम मैच देखने गए थे, कोई लोड नहीं थी ज़्यादा, कोई टेंशन नहीं थी, बट ये इवेंट, ओ माय गॉड, थैंक यू यूट्यूब, आपने इतना अच्छा हमें इवेंट दिया, मैं यहाँ पर अपनी की रख रही हूँ, एंड लेट्स गो। वैसे तो मैं हर जगह अपनी फ्लैट्स लेके घूमूंगी, आज इस ट्रिप में मैं हील्स लेके आई हूँ, लाइक रियली, क्योंकि एक तो गोवा है, गोवा में बहुत वॉक करनी पड़ती है, बीचेस जाना पड़ता है, लखनऊ वाला भी बीच, क्योंकि हमारा प्राइवेट बीच है तो हम इधर जाएंगे, लेकिन मैं चप्पलों में नहीं जा पाऊँगी, हील्स में। वो भी ये बात बहुत ही ख़राब है तुम्हारी, मैं आई नहीं और तुमने स्टार्ट भी कर दिया। वर्ल्ड का बेस्ट फूड वर्ल्ड का बेस्ट फूड ऐसा
अच्छा ये लोग तुम्हारे रूम के की गाइस ऑनेस्टली ये फूड बेस्ट फूड था, मतलब इतने सारे स्टार्टर में आइटम थे। मैं इसमें ना दो रेस्टोरेंट है इसी होटल के अंदर, एक चूल्हा नाम से जहाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो इसके ऊपर है, ये वाला बुफे है, ये शायद मल्टी कुजीन है, तो मेरा मन वहाँ जाने का था। नीतू ने बोला कि यहाँ खाएंगे आज, अब मेरे उसकी बहुत देर बहस भी चली, फाइनली हम लोग इधर आ गए। आपको पता है जीता कौन होगा बहस में, अगर आप मेरे को इधर बैठा हो देख रहे हो, लेकिन आई एम थैंकफुल कि हम यहाँ पर आए। इतना टेस्टी खाना यार, अगर आप लोग गोवा में आ रहे हो ग्रैंड हयात में तो यहाँ पर आप लोग बुफे ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को चार्जेस नहीं पता कितना, बिकॉज ऑलवेज टेकन केयर बाय यूट्यूब एंड इफ़ी। तो अभी हम डेजर्ट्स भी लेकर आए, ये है मावा बर्फी, ये है कुछ चॉकलेट का कुछ था, ये है बादाम हलवा और ये है पान मसाला आइसक्रीम। आप लोग देख सकते हो नीतू क्या ड्रामा करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे दिखा दिया तो बहुत तेज नींद आ रही है ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो गिर भी सकती है ना, इधर हो पहले तो ऐसे ऐसे, इससे गिरते नहीं है। अरे यार बात समझ ना, ऐसे अब ले तू, अब तू लेट ही रह जाए, मुझे वहां से इतनी टेंशन होती देख के, देख देखा तक ले चश्मा लगा ही ले। गाइस एक बार आप देखो ये समंदर किनारे, वहां से पूरा समंदर दिख रहा है और कितनी सूदिंग जगह है। देखो आप एक बार एनवायरनमेंट देखो यहाँ का, एकदम शांति है यहाँ, बहुत जगह जगह ऐसे झूले लगे हुए हैं जहाँ नीतू जैसे लोग सुस्ता रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, हाँ। बहुत क्वालिटी टाइम जा रहा है। नीतू तू टेढ़ी लेटी यार, तू गिर जाएगी। नहीं तू सीधी लेट पहले, मैं ठीक हूँ। नीतू सीधी लेट, तू टेढ़ी क्यों लेटी यार, पागलों वाली हरकत क्यों करती है ऐसे लेट सीधा? मेरे बाल नीचे जाने चाहिए यार, ये नीतू बाल नहीं, तू भी नीचे जाएगी अगर टेढ़ी लेटी रहेगी तो। यार बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, एक तो एकदम शांति है, पॉल्यूशन नहीं है, ठंड नहीं है, ऊपर से लोग भी कम है, खाना बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं मैं और नीतू। हमें 5 बजे जाना है तो बड़े से इवेंट पर, हमारे पास अभी 1 घंटा है। नीतू 5 बजे तक इधर ही लेटी रहेगी, रूम पे भी जाएगी? रूम पर जाऊंगी यार, अभी तो 3 बज रहे हैं ना। हाँ चल सही है, तू रेस्ट भी कर यार तू, क्योंकि वहाँ तो रेस्ट करती ही नहीं। अगर तू अभी भी घर में होती ना नीतू, मतलब फैक्ट बात बता रहा हूँ, अगर अभी घर में होती ना तो ये सोचा होता इसने कि मैं रेस्ट करूँ, लेकिन करती नहीं है, फिर कुछ ना कुछ करती रहती, फिर एंड ऑफ द डे शूट कर ही लेती कुछ ना कुछ, है ना, ऐसी रहता ना तेरा। हाँ देखते रहे क्या लग रहा है, मेरी आईब्रोज हटा देना। ए ये क्या है, ये मिर्च क्यों लग रही है तेरी आंखों पे? आंखों में कैसे पहुंची मिर्च, क्या हुआ? इधर आओ। बता। अरे नहीं तो झूले पे खुद तो गिरेगी, मुझे भी गिरा देगी। तुम इस तरफ लेट जाओ, मैं इस तरफ। ये क्या बात है, इतना है ये स्ट्रॉन्ग? अरे पेड़ देखो, नारियल का पेड़ है। बात पेड़ की नहीं, बात इसकी है, इसकी रस्से की हो जाएगा। अरे हाँ नहीं तो सोच, ऊपर से नारियल टपक जाएगा तेरे ऊपर। ये पासिस पे देखो कैसी फोटोज है हमारी, ये मेरा पास और ये, ओ शिट, और ये हमारी नितारा का पास। फोटो भी देता हर जगह यार, हेडशॉट वाले फोटो यही है तेरे, जाके क्लिक करा ले। 36 फोटो है, क्लिक करा ले जाके। स्नैप इवेंट पर भी मेरा यही फोटो दिया था, वहां पर इतना बड़ा। अपने आप दे दिया कर, फिर अपने आप दे दिया कर। मेरा अपना मेल का काम मुझे भी दो, मैं भी चेक करा करूंगी मेल, तुम क्या क्या किसको कर रहे हो, तुम बहुत चालू हो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से इवेंट वाले लोकेशन पर, लंच कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, नीतू ने चेंज भी कर लिया, मतलब हमने चेंज कर लिया, नीतू ने चेंज कर लिया, तो मतलब हमने चेंज कर लिया। जीते बांधने नहीं आते बट कोशिश जारी है। वाओ लुक एट दिस गाइज, ये है लाइट हाउस जो कि बहुत पुराना है और ये एकदम मरीन ड्राइव जैसा फील आ रहा है जहाँ पर हम हैं। तो ये कला अकेडमी में हम इस टाइम हैं और यहाँ पर इवेंट चल रहा है, हम लोगों ने थोड़ा टाइम निकाला और हम लोगों ने देखा ये बड़ी सुंदर सी जगह बनी हुई है मरीन ड्राइव जैसी, तो सोचा क्यों ना कि इसको एक्सप्लोर करा जाए और यहाँ पर बैठा जाए शांति में, बहुत शांति भाई। आज का दिन ना ऐसे तो कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं था, लेकिन हमने आज इतने सुकून के पल बिताए, मज़ा आ गया, मतलब ऐसे दिन आने चाहिए लाइफ में बीच बीच में। तारा वेल डन नीतू, कितना अच्छा व्यू है। नीतू हेल्प कर रही है उस कुत्ते को, पीछे कितना अच्छा सनसेट हो रहा है और कितनी शांति है। पूरी बोतल पी गए, ले दूसरी भी ले ले, ले। बोलो ना। मेरे हाथ में कैमरा है, ले खोल दिया, आ जा कुछ खाने के लिए ले आऊं उसके लिए। क्या लाओगे, कहां से लाओगे? कुछ तो होगा, मैं सामने कैंटीन से लेके आता हूँ। इसको रोके रखेगी अपने पास, रोक लियो इसको, ठीक है? ले अपना आईडी रख ले, कहीं इसको भूल जाए हम, इसको पकड़ ले बस, मैं आ रहा हूँ, इसको रोक के रखना। अरे तो जा रहा है नहीं तू, तो यहाँ से 2 वड़ा पाव ले लेता हूँ और अगर वो डॉगी हमें मिल गया उधर तो ठीक है, वरना मैं पहली बार नाम सुना ये वाला कप पाओ। वो इधर कुछ शायद ऑर्गेनिक खेती हो रखी है। हाँ बस वो कुत्ता गया ना हो यार, कितनी अच्छी मूर्ति बनी हुई है श्री चिन्मोय की। कहाँ पर है नीतू, धीरे हो, मतलब मैं कैसे आता और कहाँ चला गया?
बहुत ज्यादा दूर है क्या? कहा मुझे दिख नहीं रहा, दिखा दे मैं जाके दे आऊंगा, मैं वही जाके दे आता हूँ। वो चाहिए वड़ा पाव जैसा है कुछ, ये नहीं खाया तो मैं खा लूंगा। मुझे लगता है कुछ ज्यादा दूर चला गया, बहुत दूर तक तो मैं आ चुका हूँ, अभी तक तो नामो निशान दिखा नहीं है। गाइज हमारा नया दोस्त खो चुका है, कहीं भी नहीं दिख रहा हमें, इसको लेके मैं ऐसे ही वेट कर रहा हूँ उसका। भगवान कहाँ चला गया। आप लोग देख सकते हैं हम लाइट हाउस से कितना दूर आ चुके हैं, कितना दूर। आई थिंक ये एक रास्ता है यहाँ से, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, तो मे बी वो इधर ही निकल गया। ओ आवाज़ आई भौंकने की भाई। इधर तो तीन चार कुत्ते अलग अलग हैं, वो वाला तो नहीं है पर कोई और है। हेलो हेलो, ये थोड़े से डरे हुए हैं, शायद लोगों का डर है इनको। मैं खाना छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि मुझे जब तक ये वहाँ देखते रहते कुछ खाएंगे नहीं। मेरे जाते उसने उठा भी लिया। अच्छा नंद भाभी देखते हैं। सो गाइज हम लोग आ गए अपने होटल रूम पर। बहुत बड़ा दिन था, बहुत अच्छा दिन था, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और हमने Q&A पूछा आपसे इंस्टाग्राम पर मेरी स्टोरी पे, और आप लोगों ने जिन जिन ने पूछा उसके जवाब हम देंगे, लेकिन पहले हम डिनर करके आते हैं। देखो जो लोग अभी भी इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हुए हमसे, ट्विटर पर नहीं जुड़े हुए, तो आप लोग जुड़ो यार, क्योंकि वहाँ हम Q&A करते रहते हैं, एक अलग कनेक्ट रहता है। यहाँ क्या यूट्यूब या फेसबुक या वीडियो देख रहे हो हमारे, तो क्या होता है आज वीडियो देखा फिर आपको डायरेक्टली कल देखने को मिलेंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप हमसे पूरे टाइम जुड़े रहते हो, हम जो भी कर रहे हैं आपको पता रहता हो, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मेरे से जरूर जुड़े इंस्टा पर, मेरे से नीतू से और ट्विटर पर भी। तो जहाँ सुबह हमने लंच किया था वो रिजर्व है, हम लोगों को इधर बैठना होगा टेबल नंबर 43। गाइस प्लेट देखो मेरी कितनी रंग बिरंगी प्लेट है, खाना बहुत अच्छा है नीतू यहाँ पे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना Q&A जो इंस्टा पर मैंने स्टोरी लगाई थी। सबसे पहले हम लोग है अक्षता सिंह 44, इन्होंने पूछा है व्हाट पिक्चर विद नीतू दी इज योर फेवरेट, तो ये वाली फोटो। ओके दूसरा दर्शिका ने पूछा था, मैं बताती हूँ भैया आपके जो, मैं बोलता हूँ भैया आपके जो लखनीत फैन है वो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? देखो एक बार ना मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं उनको क्या बोलोगे, मैंने तभी भी यही बोला था, अभी भी मैं यही बोलूंगा कि मैं कोई बहुत कुछ मैंने अचीव नहीं कर लिया लाइफ में, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसा मेरे को बनना है। मैं अभी खुद एक प्रोग्रेस वाली स्टेज पर हूँ, तो अभी मेरे को तो आइडल इस टाइम तो मत बनाना, मेरे को कुछ करने दो लाइफ में पहले। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको, देखो अगर आपको थोड़ा बहुत ही मित्र बनना है तो मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ लाइक स्वामी विवेकानंद, लाइक लहरी महाशय, लाइक योगानंद परमहंस, तो मैं इन लोगों को बहुत पढ़ता हूँ, मैं इन लोगों के जैसा बनना चाहता हूँ। मैं 1% भी नहीं हूँ, 0.5% भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको आइडलाइज करता हूँ, तब जाके मैं ऐसा हूँ अभी। अगर आपको ऐसा बनना है ना तो आप भी डायरेक्ट उन लोगों को पढ़ो, उन लोगों के जैसे बनने जाओ, तो शायद मेरे से तो पता नहीं कितने गुना बेहतर बन जाओगे आप। और मैं डेली कोशिश करता रहता हूँ। जिनको नहीं पढ़ना पसंद वो सुन सकते हैं। हाँ पूछ भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं हंस रही थी बीच में जब लखन अपनी बातें स्टार्ट कर रहे थे, तो इन्होंने लिखा है भैया आप नीतू दीदी से कभी सीरियस वाला गुस्सा हुए हैं प्लीज बताइए ना। हाँ, तो मैं बता देती हूँ। सीरियस वाला लखन और मेरा चलता रहता है, लेकिन लखन आते हैं सॉरी बोलने, शॉर्ट हो जाता क्यों बोल रही है। लखन तुम हमेशा आते हो सॉरी बोलने। अच्छा, मैं कभी नहीं गई तुम्हारे। ठीक है अब आप देख लो भाई, मुझे जब बोलने का मौका ही नहीं जा रहा। पता क्या होता है कि मैं तो अपने काम में निकल जाती हूँ, फिर लखन को ये होता है कि मुझे मेल्स करने ये सब करने, फिर मतलब हम दोनों की एक आदत है, मतलब मेरी तो ज्यादा की मैं भूल जाती हूँ कि हमारी लड़ाई हुई है ना। फिर लखन यू तूने ऐसा बोला था, तो नहीं मेरा ये काम नहीं किया था। सीरियस वाला बहुत सीरियस वाला हुआ है हमारे साथ कभी ऐसा? हुआ है। हाँ आउट ऑफ इंडिया थे, आउट ऑफ इंडिया थे। पहला और आखिरी झगड़ा होगा भगवान, मतलब इतना ऐसा झगड़ा हुआ था हमारा, बहुत एक्सट्रीम वाला हुआ था। अच्छा किसी ने पूछा है हमसे, आन्या जैन ने पूछा है बेस्ट हैबिट ऑफ नीतू दी, तो एक्चुअली नीतू की बहुत सारी हैबिट जो मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन सबसे बेस्ट लगती है कि वो बहुत काइंड है, वो बहुत ज्यादा काइंड है। कि ना जैसे कल इवेंट में भी क्या हुआ, हम लोग जहाँ बैठे हुए थे ना, तो कुछ लोग बहुत लेट थे, उनको सीट्स नहीं मिली, तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि साइड में अंकल आंटी थे, उनके साथ दो बच्चे भी थे जो खड़े होकर शो देख रहे थे गोवा में, जिस शो के लिए हम आए हुए हैं। तो मैंने नीतू को बोला, मैंने नीतू देखिए बच्चे दोनों यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, नीतू ने उनको बुला के बिठा लिया, मतलब क्योंकि पता है कहीं जगह नहीं है सीट नहीं है, अपनी गोद में बिठा रखा है। तो मुझे नहीं, छोटी छोटी चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है, मैं पहले मेरे को नहीं पता थी ये चीज। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करते यार, छोटे बच्चे वो कहाँ बैठेंगे, नीचे तो बैठेंगे नहीं। उस टाइम ना कम से कम वहाँ 200 लोग बैठे हुए थे, और वो बच्चे जब मेरी नजर पड़ी पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे को लगा शायद पानी वानी पीने आए होंगे। फिर दोबारा 10 मिनट के बाद नजर पड़ी तो वो वहीं थे, तो मतलब 10 मिनट वो बच्चे वहाँ खड़े थे, क्यों
कोई 200 में से नहीं उठा, क्यों किसी ने ऑफर नहीं की सीट, तो ये डिफरेंस होता है यार। Okay. अरे किसी ने पूछा आपने नीतू दी को फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था, मेरे को आज भी याद है उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो नीतू को एक गुची शूज चाहिए थे, मतलब नहीं मैंने कहीं देखे मुझे थे। नहीं चाहिए थे लगा मुझे नहीं चाहिए थे। अच्छा मैं चाहता था कि नीतू भी गुची के शूज पहने, मतलब ऐसा था हम लोग सब गए थे शॉपिंग करने के लिए बट हम लोग कपड़े लेने गए थे तो लगन की सेविंग्स थी उसमें से लगन ने मुझे फोर्स कर करके मैंने ना मैं रो गई कि मुझे नहीं चाहिए। 56,000 के पड़े थे मेरे को आज भी याद है। 56,000 के थे मुझे नहीं याद। लगन मैं रो गई थी कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए लेकिन लगन ने वो दिलाए थे मुझे, मतलब मुझे अच्छा लगा पहला गिफ्ट मैं तो भूल ही गई थी लगन। और वो वाले शूज ना अभी भी मतलब पहनती तो नहीं है, इसने क्या करा इसने ले लिया लेकिन वो छोटा साइज ले लिया था मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर तुम कुछ ले रहे हो कि मैंने छोटा साइज ले लिया था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ले रही थी तो छोटा साइज ले लिया था जिस वजह से इसने पहना नहीं लेकिन इसने अभी भी संभाल के रखे। जो मेरी न्यू अलमीरा बनी है वो एज एन अवार्ड रख रखे हमने कि यार ये हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल चीज है वाली। अब मैं तुमसे पूछती हूँ मैंने तुम्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके मिस्टर रोलेक्स रेहान ने बोला है हाउ डू यू फील अबाउट सो मच ऑफ ट्रैवलिंग। सबसे पहले रेहान मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा ट्रैवल हो रहा है ना सबसे अच्छी बात है कि ये काम के पर्पज से हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि काम के पर्पज से जितना ट्रैवल उतना कम है क्योंकि यार काम होता रहना चाहिए, अगर काम रुक जाएगा ना तो हाँ मैं परेशान हो जाऊंगा तो हमें कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, हमें ट्रैवलिंग अच्छी नहीं लगेगी, हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी हमारा काम भी हो रहा है ट्रैवल भी हो रहा है तो दोनों चीजें साथ हो रही है, हम एंजॉय भी कर पा रहे हैं, हम घूम फिर भी पा रहे हैं, हम लोगों से मिल पा रहे हैं तो हर चीज जब साथ होती है ना तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आरोही कोकेन ने बोला है व्हाट हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ। मोस्ट डिफिकल्ट तो बहुत सीरियस हो जाएगा एलिगेशन लगाना किसी चीज पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे टफ मोमेंट थे, जैसे कि एक मेरे को याद है मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और मम्मी पापा स्पेशली कोलकाता आए थे मेरा मैच देखने और जब वो मैच देखने आए तो उस मैच में ना मतलब उस टाइम क्या मैं बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा था, मुझे ये था कि यार मम्मी पापा आए हुए हैं मैं ना आज आर पार कर दूंगा बिल्कुल। तो मुझे याद है मैच की पहली दूसरी बॉल थी मैंने स्टेप आउट किया और सामने छक्का मारा तो वो सब कोचेस वगैरह भी देख रहे थे कि ये बंदा टेस्ट मैच खेल रहा है क्या कर रहा है, और फिर मैं दूसरी बॉल फिर मारने गया और फिर वो कैच आउट हो गया था मैं। तो वो जो वहाँ से और ड्रेसिंग रूम तक की जो वॉक थी ना वो सबसे लंबी वॉक थी मेरी आउट होने के बाद की, क्योंकि ना मेरे दिलो दिमाग में ये था कि आज मम्मी पापा मैच देखने आए हुए हैं, आज ना मतलब मैं उनकी नज़रों में बड़ा हीरो बनना चाहता था लेकिन वो नहीं हुआ, तो ना ये चीज़ अंदर अंदर मेरे को चुभे जा रही थी, बहुत गंदा मोमेंट था वो मेरे लिए सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, कि मतलब बेवकूफ़ी क्या यार मतलब टाइम अच्छा नहीं था उस टाइम ये बोल सकता हूँ मैं, लेकिन वो एक बड़ा टफ टाइम था। मुझे याद है कि मैंने फिर पापा मम्मी बड़े उम्मीद लिए आए हुए थे वहाँ पे, फिर उनको मैंने बाय बोला वहाँ से, वो लोग नेक्स्ट डे चले गए, लेकिन मुझे ना अंदर ही अंदर ये टीस थी कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया जब वो सामने थे मेरे, तो ये चीज़ मेरे साथ हमेशा रहती है, मेरे को आज भी वो टाइम याद आता रहता है। लेकिन मैंने एक बार स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि आज जब उनको देखता हूँ जब लोग इतना प्यार देते हैं उनको भम्मू पाई क्या कह के, तो आज मेरे को प्राउड फील होता है कि यार चलो कहीं तो प्राउड फील कराया उनको, ऐसा लगता है। इस आरुषि पाल ने पूछा मेरठ में किस स्कूल में पढ़ते थे और आप प्रियम गर्ग को कैसे जानते हो। मेरठ में पढ़ता था मैं CVPS में, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल, जो कि है कैंट एरिया में। प्रियम और मैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं, हम लोग साथ में एक ही अकेडमी में खेलते थे, एक के साथ हमने स्टेट खेला UP U16 U19, तो प्रियम और मैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं। मानव ने पूछा विच हेयर प्रोडक्ट यू यूज़ लखन भैया। मैं एक वो क्या बोलते हैं उसको क्लेमेशन वैक्स लगाता हूँ, हैंड्स डी फूके ये कंपनी का नाम है उसकी। खुशू मित्तल ने पूछा है आप एंड नीतू म्यूजिक वीडियोस क्यों नहीं करते। देखो इन सब के जवाब आज ज़्यादातर मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी पर आपने डायरेक्टली मेरे से पूछा है। मेरा भी नाम है, नीतू भी करेगी अभी एक दो दिन में Q&A। देखो मेरा क्या रीज़न है म्यूजिक वीडियोस ना करने का, इट्स जस्ट दैट आई डोंट फाइंड देम वर्दी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जाऊँगा दो तीन दिन हमारे वहाँ पे लग जाएंगे, मतलब मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं लगता उसमें। एक ठीक है फॉर अ चेंज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनली फाइनेंशियली कोई मुझे बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दिखता, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करने की चीज़ नहीं लगती मेरे को वो। राइट कीर्ति 4537 ने पूछा आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट यू फील आई एम सक्सेसफुल पर्सन एंड व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। सी सक्सेस को ना लोगों ने बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास जब बहुत सारे पैसे होंगे तो आप सक्सेसफुल हो या पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। मैं एक चीज़ बताता हूँ, सक्सेस ना हर एक इंसान की अलग अलग है। लाइक जो जो बंदा आज 100 रुपये कमा रहा है ना
कल को जब वो 125 कमा लेगा तो वो सक्सेस होगी। वही जो इंसान शायद एक दिन में 10,000 कमा रहा है, वो 125 कमाएगा तो उसके लिए वो सक्सेस नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम सक्सेस का एक पैरामीटर नहीं हो सकता कभी भी ना कि आप बोल दो यही सक्सेस है। हर इंसान के लिए अपनी सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, हर किसी के स्ट्रगल्स अलग अलग है और हर किसी के अचीवमेंट्स अलग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपने फील्ड में ना सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आज मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और कल मैं थोड़ा सा और प्रोग्रेस करके कहाँ चला जाऊँ। तो अगर आप एक स्टेप आगे ले रहे हो ना अपनी लाइफ में तो वो सक्सेस है। नो मैटर कि आपकी सक्सेस दूसरों को सक्सेस लगती है या नहीं लगती है, अगर आपको पता है ना कि आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, आप कुछ मेहनत कर रहे हो और आप कुछ अचीव कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, कुछ एडिशन ला रहे हो अपनी लाइफ में, तो सक्सेस है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई सबकी अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज है, किसी की बड़ी छोटी हो सकती है भाई दुनिया की नज़रों में, लेकिन स्टोरीज सबके पास है अपनी। सो श्रद्धा 21 ने पूछा है, एनी permanent name of your new dog, Brownie or Teddy? So his name is Brownie. Teddy. But लखन हमने दोनों नाम रखे हैं Brownie and Teddy. तो लखन calls him Teddy and I call him Brownie. तो मुझे brown color वैसे ही बहुत पसंद है इसलिए। अच्छी बात है, दोनों से सुनता है। गुची हमारा एक नाम से भी नहीं सुनता, है ना? Okay. तो अगला यार देखो, रेशमा ने पूछा है How are you लखन? मतलब कई बार हम इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं लाइफ को कि आपने इतना सब कुछ पूछा, एक सिर्फ एक ने पूछा मेरे से हाउ आर यू लखन, मेरे को ना बहुत अच्छा लगा। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा कि किसी ने पूछा। कि कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग सबसे बेसिक चीज़ ही पूछना भूल जाते हैं कि आप हो कैसे। तो यहाँ मुझे उमेर नाजमी साहब की एक बहुत प्यारी सी पोएम याद आ रही है जो कि है, शब बसर करनी है महफूज, ठिकाना है कोई, कोई जंगल है यहाँ पास में, सहरा है कोई। इसका मतलब बताओ पहले तुम। मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे शाम गुजारनी है यहाँ पास में, कोई महफूज ठिकाना है क्योंकि यहाँ जंगल है, मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे लोग रहते हों, कोई ऐसी जगह है, वो पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मुझे, इसलिए कर ली कि कभी पूछ ही लेता है कोई। मतलब उन्होंने इसलिए कर ली क्योंकि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि किसी से मोहब्बत की है। और लास्ट में कितनी अच्छी बात बोलते हैं, जानता हूँ तुझे साथ तो रखते हैं कई, जानता हूँ तुझे साथ तो रखते हैं कई, पूछना था कि तेरा ख्याल भी रखता है कोई। अभी ये लाइन क्यों ऐड करी उन्होंने? ये लाइन ऐड इसलिए करी है कि कई बार हम आसपास तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हम घिरे हुए लेते हैं, लेकिन हम घिरे हुए रहते हैं, नहीं है कि आप कैसे हो। हाँ, मतलब सच में वो ये जान रहे हैं कि तेरे आसपास तो बहुत लोग रहते हैं लेकिन क्या तेरा ख्याल भी कोई रखता है उनमें से। मैं तो वहां नहीं हूँ लेकिन जो आसपास तेरे लोग हैं वो ख्याल रखते हैं या नहीं। तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो आपके सवाल का वही जवाब है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप जैसे लोग मेरे पास है इसीलिए और अच्छा हूँ। और लास्ट हमसे पूछा है दर्शिका ने कि शादी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए। शादी के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए लाइफ में, और सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है, जैसा मैंने एक वीडियो में बोला था कि मुझे ऐसा लगता है भाग्य लक्ष्मी मेरी आ गई है शादी के बाद। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी हैं और काम वाइज हमने बहुत प्रोग्रेस करी है, बहुत ज़्यादा। अभी क्या है ना, शादी के बाद पूरे टाइम साथ रह पाते हैं तो हम काम भी बहुत ज़्यादा कर पाते हैं क्योंकि हमारा दोनों का प्रोफेशन सेम है, हम दोनों सेम ही प्रोफेशन में, तो इसीलिए एक दूसरे को टाइम भी दे पाते हैं, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा हुआ, पर्सनली बहुत अच्छा हुआ। क्यों नहीं तू? बहुत अच्छा। मतलब अभी हमारी शादी को एक साल भी नहीं हुआ और एक साल के अंदर हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है एक साथ मिलकर, और इतनी मेहनत करते हैं हम, मतलब वो वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कितना हमारी लाइफ में चेंजेस आए, लेकिन बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हमारी लाइफ में। हम लोगों को प्यार का मतलब पता चला दोनों को ही, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से प्यार एक वो नहीं है कि सिर्फ आप एक कपल हो, और प्यार का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको डिफाइन करना एक वर्ड में नहीं है इतना आसान। तो ये मैं बात खा के कहाँ ले गई दोबारा। इट्स ओके, होता तेरे साथ, वो लोग भी हैबिचुअल हैं अब तो। मेरी ना मतलब नहीं कुछ भी बोलना पर ठीक है। नहीं अच्छा, कुछ भी नहीं बोला मैंने। अभी अच्छा बोलने लगी यार। हाँ ठीक है, मैंने ये बोला कि देखो आप अपना पार्टनर बहुत अच्छा पिक करना क्योंकि पूरी लाइफ उसके साथ बितानी है आपको, एंड बस यही कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। कई सारे सवालों का जवाब दे दिया। हाँ ठीक है। सो गाइस ओके, थैंक यू सो मच इतने सारे सवाल पूछने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। दोबारा से क्यों नहीं करेंगे बहुत जल्दी। ये व्लॉग अभी इधर ही एंड करते हैं, कल अपने को वापस निकलना है दिल्ली, और परसों भी आपको एक बहुत अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा। और हाँ, आप लोग आज कमेंट में बातें करना क्योंकि हम कमेंट की रिप्लाई करेंगे कल वाले व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, लाइक करना मत भूलना।